पदाधिकारियों का दो दिवसीय गुना प्रवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं ने जमीनी स्तर पर महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाया है। स्वच्छता अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। 9 करोड़ से अधिक घरों में गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे परिवार की महिला सदस्यों को ईंधन की लकड़ी के उपयोग से निकलने वाले धुएं से निजात मिल गई है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना और प्रदेश की बहनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। बहनों के खाते में 1,000 रुपये की दूसरी किश्त आ गई है, जिससे वो सभी बहनें खुश हैं। उक्त बात मंगलवार को हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री बबीता पवार ने कही। आशा कार्यकर्ता बहनों से मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के परिचर्चा की गई। इस मौके पर महिला मोर्चा प्रदेश सदस्य एवं गुना जिला प्रभारी व्यंजना मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश राजपूत, मंचा सिंह रहे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सिकरवार ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार की जनहितेशी योजनाओं की चर्चा भी की। जिला प्रभारी मिश्रा ने बहनों को आर्थिक मजबूत और सशक्तिकरण का मंत्र दिया। इस मौके पर महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी संध्या श्रीवास्तव, लक्ष्मी शर्मा, जिला महामंत्री प्रीति शर्मा, सिरसी मंडल अध्यक्ष राजश्री राजे, छाया बालके सहित बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित रहीं। मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का दो दिवसीय गुना प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन विस्तार की दृष्टि से महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिले के प्रसिद्ध देव स्थान टेकरी सरकार पहुंचकर दर्शन किए गए। तत्पश्चात जिला अस्पताल में फल वितरण एवं आयुष हॉस्पिटल पहुँच करके माननीय मोदी जी के सपने के तहत आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने आयुष विभाग चिकित्सालय पहुंचकर केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। आपको यहाँ के मुख्यमंत्री, आपके जो मुख्यमंत्री आप मामा के में बोलते हो, तो आप मामा जी ने जो लाडली योजना बनाई है मुख्यमंत्री, उसका लाभ आप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप लोग बताओ कि कितनी किस्त आ रही है, कैसे आई है, आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हो? आप कहाँ रहती हैं? हाँ, तो आपको राशि मिल रही है? हाँ, कितने मिल गए? 2000 रुपए। तो आप मामा जी को धन्यवाद देंगी? धन्यवाद देंगे ना, दो अपने को आप बताइए दीदी, आप बताओ दूसरे तरफ ईदगा से। क्या नाम? काशी भाई। तो आप को मिले हैं पैसे? हाँ मिले हैं ना, लाडली योजना के तहत? हाँ मिले हैं। कितने मिल गए? 1,000 मिले, 2,000 हो गए, 2,000। आपने क्या किया उनका? घर में बच्चों को लाने, मतलब जो कुछ मतलब अपनी खुशी के लाने। अच्छा, बच्चों की कॉपी किताब है? हाँ बच्चों लाए। मामा को धन्यवाद देंगे? मामा को धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसने दिलवाया? शिवराज भैया की। कौन ने दिलवाया? ये कौन की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हॉस्पिटल कार्ड का भी लाभ मिल गया होगा ना? मिला ना, मिल गया। सब दवाई निःशुल्क मिलती है आपको? बता दी नंबर सुन बोल रहे आप? दूसरी किस्त मिल गई? अच्छा, खुश हो आप सरकार से? खुश हो? धन्यवाद दे दो, धन्यवाद। आप उनको धन्यवाद जी को क्या करेंगे ना? चलो ठीक है रोहित, और मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लाडली बहनाओं के लिए भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। लाडली बहनाओं की दो दो किस्त आ चुकी हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाह रही हैं और अपने लिए भी। जैसे एक एक पैसे के लिए तरसती थी, वो नहीं हुआ उनके साथ। और मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ, हमारे लिए भी मामा जी ने बहुत कुछ किया है। आज हमारी इंसेंटिव 2,000 रुपये था, बढ़ा के हमने 3 गुना 6,000 किया है। मामा जी को बहुत बहुत एक सिंगल। अब सब लोग आ जाओ दीदी।